हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ काफ़ी सारी रेसिपीज़ भी, बट इसके साथ साथ मील प्रेप आइडियाज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये है ना मेरे लास्ट समर के अल्फांसोस थे, मैंगोज़ मैंने थोड़े से स्टोर किए थे। मैंने हमेशा आप लोगों के साथ शेयर किया है कि जब ये सर्दियाँ जाने लगती हैं तो आई स्टोर स्ट्रॉबेरीज, और जब गर्मियाँ जाने लगती हैं आई स्टोर मैंगोज़। तो वंस इन अ वाइल जब ऑफ सीजन आपका मन करता है, जब ये चीज़ें मिलती नहीं है, मिलती हैं तो कम से कम 5-6 गुना दामों पर मिलती हैं, तो तब आप ने जो स्टोर किया है आप उसका फायदा उठा सकते हो। ये मेरा लास्ट लॉट है। अब वैसे भी समर्स आ गए, अब तो मैंगोज मिलने लगेंगे, तो मैंने सोचा कि इसको भी अभी क्या रखना है, तो ये बिल्कुल लास्ट है। मेरे फ्रीजर में अब कोई मैंगो नहीं बचा है। आई थॉट आज इसका मैं शेक कर लेती हूँ। गर्मियाँ आ गई है ना, तो थोड़ा सा अभी अच्छा लगता है चिल्ड चीज़ें, शेक्स, लस्सी, स्मूदी। तो मेरा फ्रीज़र भी आज फ्री हो गया, कंटेनर भी फ्री हो गया है। आई हैड 2 1 किलो के बॉक्सेस जिसमें मैंने ये स्टोर किए थे। तो अभी ये लास्ट है, आज ख़त्म है। मैं बना रही हूँ बाय द वे मैंगो शेक। तो ये फ्रोज़न था, काफ़ी ज़्यादा जो मैंगो के चंक्स होते हैं वो ऊपर ऊपर थे, वो हम लोग ने यूज़ कर लिए। वो जो कतरने से थी, प्योरे था, वो नीचे नीचे था, तो ये पूरा जम गया था, इसलिए मैंने इसको चॉप कर लिया है। आराम से चॉप हो जाता है बिकॉज इट्स जस्ट फ्रूट। मैं इसमें थोड़ा सा चीनी डाल करके और दूध डाल करके तैयार करती हूँ मैंगो शेक। बनाया मैंने मिल्क शेक था, लेकिन मिल्क कम था, मैंगोज ज़्यादा थे, तो इट हैज़ बिकम मोर लाइक सॉर्बे, आइसक्रीम जैसा भी आप इसे समझ सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग होने वाला है। इट हैज़ हाई कंटेंट ऑफ मैंगो एंड वेरी लेस कंटेंट ऑफ मिल्क। मैंने बर्तन लगाए थे धुलने में, वो धुल चुके हैं, तो मैं जो मेरा डिश वॉशर है इसे खाली कर लेती हूँ। और साथ ही साथ आपको बताती चलूँ कि हर वो फ्रूट जो आपको बहुत पसंद आता है, जो एक्सपेंसिव होता है ऑफ सीज़न, तो आप उसे सीज़न में स्टोर कर सकते हो। ज़्यादा करके इसमें हम लोग स्ट्रॉबेरीज़ और मैंगोज़ ही लेते हैं, बट आप चेरीज़, इनफैक्ट ग्रेप्स भी, जैसे ब्लैक वाला ग्रेप, रेड वाला ग्रेप सीजनल ही होता है ना, तो आप उसे भी स्टोर कर सकते हो एंड ऑफ सीज़न उनको एंजॉय कर सकते हैं। लुक एट दिस माय स्ट्रेनर। मैं वही आपको दिखा रही थी, डिश वॉशर में छलनियाँ, कांच के बर्तन एकदम ही स्पार्कल वाले, स्पॉट फ्री धुलते हैं। एंड आई लव माय डिश वॉशर। और बहुत सारे दोस्तों की शिकायत थी, बहुत वक्त से आपने बेकिंग नहीं करी है, तो मैं एक ट्रिपल चॉकलेट केक आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो एगलेस है, और आप बनाइएगा। ये भी आप पूरे 1 हफ्ते तक एंजॉय कर सकते हो। मैंने यहाँ पे मिल्क चॉकलेट एंड डार्क चॉकलेट लिया है और मैं इसको चॉप कर रही हूँ, थोड़ा छोटा छोटा, बड़े बड़े चंक्स नहीं रखने हैं, थोड़ा सा पतला पतला आप इसे छोटा छोटा चॉप कर लीजिए, तो ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है और अच्छा टेस्ट देता है। चॉकलेट हो चुकी है चॉप। एक बड़े से मिक्सिंग बोल के अंदर 2 टेबल स्पून मैंने डाला है दही, ½ कप से थोड़ा सा कम कैस्ट शुगर मैं ऐड कर रही हूँ। आप पाउडर शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से फेंट लीजिए, एकदम होमोजीनियस मिक्सचर हो जाए, कहीं पर भी दही के क्लॉट्स ना दिखें, ऐसा इसको मिक्स कर लीजिए। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर और जो बाकी रिमेनिंग इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ पहले ऑयल, तो 2 टेबल स्पून एनी कलर एंड फ्लेवर न्यूट्रल ऑयल, यानी कि रेगुलर रिफाइंड ऑयल जिसमें कलर और टेस्ट ना हो, वो आप ऐड कर दीजिए। अच्छी तरह विस्क कीजिए। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ ½ टी स्पून वनीला एक्सट्रैक्ट। ये थोड़ा थिक एंड कॉन्सेंट्रेटेड होता है, इसलिए मैंने ½ टी स्पून लिया है। आप वनीला एसेंस इस्तेमाल कर रहे हो तो 1 टी स्पून भी आप डाल सकते हो। मिक्स एवरीथिंग वेल आफ्टर एवरी स्टेज। और उसके बाद छलनी मैंने लगा दिया है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ½ कप रिफाइंड फ्लावर प्लस 2 टेबल स्पून्स, और इसके बाद 1 टेबल स्पून कोको पाउडर, और बाकी ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी यही ऐड करेंगे। इसमें जाएगा ½ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टी स्पून बेकिंग सोडा, चुटकी भर नमक। अगर आपने ऑयल इस्तेमाल करा तो नमक डालें, अगर आपने मेल्टेड बटर इस्तेमाल किया था तो नमक यहाँ ना डालें। छान लीजिए सभी चीज़ें एक बार तो ज़रूर से छानिएगा। 2-3 बार छानते हैं तो और बेटर रिजल्ट मिलेंगे, बट मिनिमम 1 टाइम आप इसे ज़रूर से छान लीजिएगा। इसमें दूध मिलाकर एक अच्छा मिक्सचर तैयार करेंगे। अराउंड 100 ml आपका दूध इसमें लग जाएगा। एंड देन 1/8 1/4 टीस्पून जैसा मैं डाल रही हूँ विनेगर। और अच्छी तरह से सारी चीज़ें फोल्ड इन कर लीजिए कट एंड फोल्ड मेथड से। लास्ट में डालेगा विनेगर और बिल्कुल लास्ट में डालेगा चॉप्ड आपने जो चॉकलेट रखा था। और कंसिस्टेंसी आप चेक कर लीजिए, बहुत गाढ़ा बैटर नहीं बनाएगा। तो ये मेरा बंट पैन है, मैं इसमें बना रही हूँ। आप इसके मफ़िन बना सकते हो, बहुत अच्छे लगते हैं। ट्रिपल चॉकलेट मफिन्स आर किड्स नहीं एवरीवन्स फेवरेट। आप जिसे देंगे वो एंजॉय करेगा, आपकी तारीफ़ करेगा। मैंने बंट पैन में डाल दिया, आप लोफ टिन में भी डाल सकते हो, रेगुलर केक भी बना सकते हैं। और ऊपर से मैं चॉको चिप्स स्प्रेड कर रही हूँ, तो ये अच्छा कलर भी देते हैं, अच्छा मतलब लुक भी दे देते हैं आपके केक को, और टेस्ट तो इन्हांस हो ही जाता है। इसे बेक करेंगे प्रीहीटेड ओवन में 20 मिनट्स के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पे। फ़ैन ऑन एंड अपर लोअर दोनों के दोनों रॉड भी ऑन कीजिएगा। केक हो चुका है मेरा रेडी, उसे रखेंगे ठंडा होने के लिए साइड में। तब तक मैं ये आलू टिक्कियाँ जो हैं इसे एयर फ्राई कर लूँगी। आलू टिक्कियाँ आप जब भी बनाते हैं इनको भी आप जो फ्रीज़र है इसमें स्टोर कर सकते हो। जब भी आप बनाएं तो थोड़ा ज़्यादा बैच बनाएं, और जब भी आपको ज़रूरत हो तो एयर फ्राई कर लीजिए, डीप फ्राई कर लीजिए, शैलो फ्राई कर लीजिए। जो आपकी आलू टिक्कियाँ रहती हैं वो कम से कम 2 महीने तक फ्रीज़र में अच्छी रहती हैं। चाय के साथ एंजॉय करेंगे हम हमारा ट्रिपल चॉकलेट केक विद आलू टिक्की। ये केक पूरे 1 हफ्ते तक आपका चाय और कॉफ़ी के साथ साथ देगा। बनाकर देखिएगा, टेस्टी तो अमेजिंगली होता है ये। और एक और इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो हमारे किचन में होता है वो होता है पीनट्स। और पीनट्स सब्ज़ी भी बनती है, स्नैक के तौर पे भी आप इसे खा सकते हैं, मील प्रेप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसकी चटनियाँ भी बनती हैं। चलो मैं आपके साथ कुछ एक शेयर करती हूँ। मैंने यहाँ पे पीनट्स जो हैं ऐसे ड्राई ही निकाल लिया है, कढ़ाई के अंदर ऐसे ही रोस्ट कर लेंगे। अभी मैं जो खाना बना रही हूँ उसके हिसाब से मील प्रेप आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसको ऐसे ड्राई ही रोस्ट कर लीजिए जब तक कि स्किन उतरने लगे, ज़्यादातर पीनट्स आपको स्प्लिट दिखने लगे। थाली में निकाल करके एक तरफ दीजिए ठंडा होने के लिए। कढ़ाई में ऐड किया है मैंने थोड़ा सा ऑयल ज़रा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ एक मसाले। मैं ये जो पीनट अभी जो मैंने फ्राई करी है इससे चटनी एंड एक रेसिपी बनाऊंगी आपके साथ, इसको स्टोर करने के तरीके भी बताऊंगी। तो तेल थोड़ा हो गया है गर्म, डाला है मैंने इसमें चना दाल, ज़ीरा और सूखी लाल मिर्च। चना दाल थोड़ी सी भुनने लगे, ज़ीरा और लाल मिर्च तो भुन ही जाएंगे तब तक। ऐड करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा लहसुन और थोड़ी सी यहाँ पर प्याज स्लाइस में मैंने काट लिया है। इन सभी चीज़ों को थोड़ा भूनेंगे, बहुत लाल लाल नहीं भूनना है पर इतना कच्चा मत रहने दीजिएगा कि इनकी स्मेल आए, तो थोड़ा अच्छी तरह से भून लीजिए। और इसके बाद ऐड करेंगे इसमें थोड़ी सी इमली, थोड़ा सा हींग भी यहाँ पर मैं ऐड करने वाली हूँ। हींग से अच्छा टेस्ट भी आता है और हींग में अच्छी डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, तो हींग भी भून लीजिए। शुरू में मैंने इसलिए नहीं डाला था, फिर काला काला हो जाता है। गैस बंद करके मैंने ऐड किया थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्चें। चटनी तीखी पसंद है तो 2-1 हरी मिर्ची भी यहाँ डालिएगा। इसके बाद जो पीनट्स मैंने भून लिए थे इसमें से थोड़े से लाइक हाफ मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। माइंड यू गैस बंद है पर कढ़ाई गर्म है, ऑयल गर्म है, तो पीनट्स थोड़े से और भुन जाएंगे बट जलेंगे नहीं। गैस हमने कर दिया था बंद। ये मिक्सचर अच्छी तरह मिक्स करके रख दीजिए साइड में, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इससे चटनी करेंगे। मीनवाइल मैं बना रही हूँ थाली पीठ साबूदाना वाला। तो कद्दूकस में सबसे महीन और सबसे मोटा जो होता है उन्हें छोड़ दीजिए, जो मीडियम साइज़ का ग्रेटर होता है वहाँ से कच्चे आलू को एक की तरफ से स्ट्रोक लगाते हुए ग्रेट कर लीजिए। ऊपर नीचे ग्रेट नहीं करना है, सिर्फ ऊपर से नीचे ले जाइए, मतलब जितने लंबे हो सके उतने लच्छे आप निकालिए तो बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ये लंबे लच्छे देखने में भी अच्छे लगते हैं, ऑल्सो ये बहुत अच्छी बाइंडिंग भी देते हैं थाली पीठ को। तो आलू ये कच्चा है, 2-1 आलू मैंने ले लिया है हमारे लिए, और इसे ऊपर से नीचे बस एक बार ग्रेट कर रही हूँ मैं, नीचे से ऊपर प्रेशर नहीं लगाना है। लंबे लंबे लच्छे निकालिए और आलू ऐसे ही रहने दें, इसे पानी में ना डालें। अगर आलू को ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये काला पड़ने लगेगा, ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होने लगता है। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधा सा नींबू का रस यानी कि लेमन जूस। ये एक थोड़ा बड़ा सा नींबू था मेरे पास तो आधे से भी थोड़ा कम मैंने ले लिया है। खट्टा नहीं करना है इसको, हालांकि नींबू का टेस्ट आएगा जो अच्छा लगेगा, बट ये नींबू के जूस से ना वो फिर लाल लाल नहीं होगा। तो जूस मिला दीजिए हाथों से, सारा का सारा जो आपका आलू है वो जूस में मिक्स कर लीजिए। माने इसका कोई भी कण ऐसा ना रहे जहाँ पर जूस नहीं लगा, वरना फिर वो वहीं से काला काला दिखने लगेगा। तो अच्छी तरह लेमन जूस आपके पटेटो के जो छीन है इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। यह है साबूदाना अच्छी तरह से सोक किया हुआ। अब साबूदाना भी एक बहुत अच्छी चीज़ है किचन में इस्तेमाल करने के लिए, और आप इसे मील प्रेप का हिस्सा बना सकते हो। आप साबूदाना भिगो करके ऐसे ही रख दीजिए फ्रिज के अंदर, 3-4 दिन बहुत अच्छे से ये रहता है। बट ध्यान दीजिए आप इसे रखेंगे फ्रिज के अंदर ढक्कन लगा के, और फिर जो भी चाहिए आप उस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं वड़ाज में, थाली पीठ में, डोसाज में, या फिर साबुदाना का खिचड़ी करने के लिए। आलू के अंदर 2-1 हरी मिर्चें मैं काट करके ऐड कर रही हूँ। बहुत सारा धनिया भी डालिएगा, मेरे पास धनिया नहीं है, मैं नहीं ऐड कर पा रही हूँ। मिर्चें जैसे आपको पसंद आती हैं उस हिसाब से कम ज़्यादा डालें। तो मैंने जो साबुदाना सोख किया था उसमें से आधा मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ और आधा मैंने पीस लिया है, बिना पानी के साबुदाना का यहाँ पेस्ट बना लिया है। ये भी ऐड करेंगे आलू के अंदर। और जो पीनट्स आधे बच गए थे, आधे चले गए हैं चटनी में, जो बच गए हैं उसका मैंने पाउडर कर लिया है। अब पीनट्स आप रोस्ट कर लीजिए। पहले तो यहाँ पे कुछ एक मसाले मैं ऐड कर रही हूँ। मैंने डाला है नमक, थोड़ा सा हींग, थोड़ी सी काली मिर्ची मैं ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो कच्चा ज़ीरा भी यहाँ ऐड कीजिएगा। मैं और कुछ नहीं मिला रही हूँ और पानी भी नहीं मिलाना है। ऐसे ही सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मैं आपको पीनट्स के बारे में बता रही थी। आप पीनट्स को रोस्ट करके फ्रिज में आराम से 1-1.5 हफ्ते स्टोर कर सकते हो। पाउडर बनाकर भी आप इसे फ्रिज में कम से कम हफ्ते भर स्टोर कर सकते हो। पाउडर बना के रख लीजिए। जब भी आपको चटनी बनाना है या इस तरह की कोई चीज़ जिसमें पिसा हुआ पीनट्स चाहिए तो निकाल कर इस्तेमाल कीजिए। आपको इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, पाउडर तो रेडी है, बस फटाफट से प्रोसेस कर लीजिए। थाली पीट करते हैं। मैंने नॉनस्टिक तवा के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा दिया है, थोड़ा सा बस ग्रीसिंग मात्र के लिए। और थाली पीट इस तरह हाथ से बनाया जाता है। आप चाहें तो चम्मच से भी बना सकते हो। थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे वैसे करना, हाथ से आसानी से बन जाता है। हाथ गीला कीजिए एवरी टाइम यू टच योर थाली पीट, तो नॉनस्टिक ही हो जाएगा। यहाँ चटनी का मिक्सचर हो गया था ठंडा, तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक पानी डाल करके उसको पीस लिया है। दोनों तरफ से आप थाली पीट को है ना अच्छा कलर आने तक सेक लीजिए। चटनी हो गई है रेडी। इसको निकाल देंगे एक बोल के अंदर और अब इसके तड़का की तैयारी शुरू करते हैं। और तड़का बनाने के लिए मैंने एक तड़का पैन के अंदर डाला है, ऑयल डाला है, थोड़ा सा उड़द दाल, ये थोड़ा सा भून जाएगा तो इसके बाद मैं ऐड करूँगी इसके अंदर राई, थोड़े से सूखी लाल मिर्चें, थोड़ा सा हींग और करी पत्ता। ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से भुन जाएंगी तो पूरी और तड़का ओवर योर चटनी। और ये बहुत ही टेस्टी सा प्रोटीन रिच आपका चटनी हो गया है रेडी, जो सबको अच्छी लगती है। बहुत टेस्टी बनती है पीनट की चटनी। तो चटनी इज़ रेडी। मैं इसके साथ अभी थाली पीट फटाफट से सेक लेती हूँ। दोनों तरफ से आप इसको ऐसा बढ़िया लाल होने तक सेक लीजिए। कुकिंग टाइम ज़्यादा नहीं है। आलू पतला पतला है तो वो जल्दी सिक जाता है। और ये है घी, जैसे रोटी सिक जाने के बाद ऊपर से घी लगाते हैं ना, ऐसे थाली पीठ सिक जाने के बाद ऊपर से बस एक साइड घी लगाए। इस तरफ से हम सेकेंगे नहीं। कैसे फुलके को घी करके रख देते हैं ना, उसे हम वापस सेकते नहीं हैं। ऐसे ही इसको घी लगा के सर्व कीजिए। घी वाली साइड से दोबारा नहीं सेकेंगे, इसलिए जब दोनों तरफ से अच्छा सिक जाए तभी आप इस पर घी लगाएं। और बनाने के लिए मैं आपको एक और बार दिखा देती हूँ। हाथों को अच्छी तरह से पानी में गीला कर लीजिए। जब तक आपके हाथ गीले रहेंगे ये मिक्सचर आपके हाथों पे नहीं चिपकेगा। इस तरह से बॉल जैसा लेकर तवा के ऊपर डालिए और हाथों से फैला लीजिए। थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। मैं कहूँगी पहली बार कर रहे हैं तो चम्मच से आप कीजिएगा, बट वो थोड़ा सा चिपक सकता है तो आप उस पर थोड़ा ऑयल पानी लगा कर देखिए। एक बार आदत हो जाती है ना तो हाथ से बड़े आसानी से स्प्रेड हो जाता है। बस एक तरफ से ढक्कन लगा कर आप इसे सेकें, पलट कर फिर दोबारा ढक्कन नहीं लगाना है। दोनों तरफ से लाल हो जाने के बाद वापस वही घी वाला ट्रिक कीजिएगा। बना कर देखिए और आकर मुझे बताइएगा कैसा लगा, बिकॉज आई एम वेरी श्योर ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आपने अगर साबुदाना सोख कर लिया है, पीनट का पाउडर कर लिया है, तो आप ये सुबह में भी बना सकते हो, नाश्ते के लिए, बच्चों के टिफ़िन के लिए भी। और रात को मैंने और हस्बैंड ने देखा था स्वदेश। मन हो रहा था कुछ ऐसी मिट्टी से जुड़ी मूवी देखने का। देख रखी है पहले भी, बट अच्छी लगती है मुझे ये मूवी। एक और मील प्रेप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कढ़ाई में डाला है मैंने ऑयल, डाला है उड़द का दाल, हींग, राई। अच्छी तरह से ये चीज़ें थोड़ा सा भून लीजिए। उड़द की दाल लाल होने तक भूनिए। करी पत्ता, कॉर्न्स, कटे हुए कैरेट्स मैंने ऐड कर दिए हैं। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा भून लेंगे। कॉर्न फ्रोज़न है तो उसे पकाने की ज़रूरत नहीं है, कैरेट्स तो पक जाएंगे। चुटकी भर डाल दिया है मैंने यहाँ पे हल्दी। हल्दी को भून लीजिए थोड़ा सा। इसके बाद 1/2 कप, 2 बार मैंने यहाँ डाला है रवा, यानी कि इन टोटल 1 कप रवा। और अभी से थोड़ा सा सौते कर लीजिए। मैंने है ना इसके अंदर हरी मिर्ची नहीं डाली है। आप इसमें हरी मिर्ची आपके हिसाब से जैसा आपको पसंद आता हो थोड़ा सा चॉप करके ऐड कर सकते हो, जब हमने बाकी सब्जियां टॉस की थी उसी वक्त। ऑल्सो ये हो गया आपका इडली प्रीमिक्स, मसाला इडली प्रीमिक्स तैयार। इसको थोड़ा सा टोस्ट कर लीजिए। बिल्कुल इसको कलर वलर देने की ज़रूरत नहीं है। लाइक 5 मिनट जैसा थोड़ा टोस्ट कर लीजिए। आपको एक फील आने लगेगी कि जो सूजी है वो थोड़ी नटी हो गई है। आप इसे पलट पलट के देखेंगे ना तो यहाँ देखिए लाइट कलर की हो गई है सूजी। नीचे से जब इसे स्क्रैप करते हैं तो लाइट कलर की आती है। तो इसे ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा और ज़रा सा इसे 3-4 मिनट भून लेंगे और उसके बाद इसे ठंडा करके आप फ्रीज़र में बैचेस बना के स्टोर कर सकते हो। तो एज आई वाज सेइंग, ये आपका इडली प्रीमिक्स तैयार है। तो सुबह की भागदौड़ में या जब आपको ज़्यादा टाइम किचन में लगाने का मन नहीं है, तब आप ये प्रीमिक्स निकालिए और इसके बाद इसमें दही मिलाइए रूम टेम्परेचर और इडलियाँ बनाइए। ये प्रोसेस दोबारा करने की जरूरत नहीं है। आई बेट मिक्सिंग विल टेक अराउंड 3 to 4 मिनट्स एंड इडली बनाने का जो 8-7 मिनट का टाइम होता है वो, और अंडर 10 मिनट्स आपका मजेदार इडली रेडी भी हो जाएगा। ये प्रीमिक्स बनाकर जरूर देखिएगा, इट विल बी अ ग्रेट टाइम सेवर फॉर यू। स्पेशली सुबह में बच्चों का टिफिन करते हैं ना, तब तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये दोनों ही सब्जियाँ बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं, वो प्यार से खा भी लेंगे और ये सुबह में बहुत ही झटपट बन भी जाएगा। तो ये बस हो गया है रेडी। मैं गैस बंद करती हूँ और इसे जरा सा रूम टेम्परेचर आ जाने देते हैं। इसके बाद मैं मिलाऊंगी इसमें दही। अभी जो ये मिक्सचर है ये रूम टेम्परेचर आ चुका है, तो मैं इसके अंदर मिलाऊंगी दही। अभी मैंने यहाँ पे सब्जी में डाला है कैरेट एंड कॉर्न। आपके बच्चे जो सब्जियाँ प्यार से खा लेते हो वो डालिए। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि बच्चों को जब स्कूल के लिए खाना बनाकर दे रहे हैं तो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें। जो चीज़ें उन्हें पसंद आती हैं, जो वो खा लेते हैं आराम से, वही आप दीजिए। अदरवाइज बच्चे हैं ना, फ्रेंड्स को खिला देते हैं या खाना इधर उधर कर देते हैं, फिर भरपेट खाना नहीं खाते हैं। तो इसलिए मैंने यही सब्जियाँ डाली हैं जो वो खा लेंगे। फिर यहाँ पर मैंने लिया था 1 कप सूजी, तो इसके सामने हम लोग डालेंगे आधा कप दही। गाढ़ा गाढ़ा है तो आधा कप आप डाल सकते हैं, पानी पानी है तो और थोड़ा सा लाइक 1/4 कप जैसा दही आप बढ़ा सकते हो। और इसके बाद जो सूजी होता है इसका टेंडेंसी होता है बहुत सारा मॉइस्चर अब्जॉर्ब करने का, तो ये मिक्सचर हम पानी की हेल्प से थोड़ा सा बहुत गाढ़ा वाला नहीं बनाएंगे। जो मिक्सचर आप भूनते हो ना, इसको नमक नहीं मिलाना है। नमक जब अगर आप इसको मील प्रेप के तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी इसी स्टेज पे नमक मिलाइएगा, और फ्रेशली बना रहे हैं तो भी इसी स्टेज पे नमक मिलाइएगा। पहले मैं थोड़ा ये जो दही है ये सारा मिक्स कर लेती हूँ रवा में, जिससे इसके कहीं पे भी क्लॉट्स ना रह जाएं। इसके बाद पानी मिलाएंगे। जो मिक्सचर है ना ये इडली के लिए थोड़ा सा लूज हो गया है, बट सूजी अब्जॉर्ब कर लेगी। तो अभी से रख देते हैं 10 मिनट के रेस्ट पे। ये जो इडली का प्रीमिक्स है ये फ्रिज में 2 डेज एंड फ्रीज़र में अप टू 2 वीक्स अच्छा रहता है। मैंने इसके अंदर ना नमक मिला दिया है, और अभी हम इसके अंदर डालेंगे 1 साशे इनो। मैं ब्लू वाला ले रही हूँ क्योंकि ये फ्लेवर न्यूट्रल होता है, आप कोई भी ले सकते हो। ऑल्सो मैं इसमें इनो डालूँ उससे पहले जो प्लेट्स है ना हमारे इडली वाले प्लेट्स, उसको ग्रीस करके ज़रूर से रख लीजिए, क्योंकि इसके बाद है ना फिर थोड़ा जल्दी जल्दी काम होता है। तो ये भी आप ग्रीस करके रखिए। स्टीमर भी आपका एकदम ही रेडी होना चाहिए। तब बिल्कुल लास्ट इंग्रेडिएंट आप इसमें इनो मिलाइए, झटपट से मोल्ड में ये भरिए बैटर और इसे स्टीम पे रखेंगे। और ये इनो के ऊपर थोड़ा सा पानी जरूर मिला दीजिए, इससे ये इवनली मिक्स हो जाएगा। इनो डालने के बाद आपको इसे एक ही डायरेक्शन में फेंटना है, और ज़्यादा फेंटना भी नहीं है। बस अच्छी तरह जो झाग इन्होंने क्रिएट करा है वो सारे के सारे बैटर में मिक्स कर दीजिए। ओवर बीटिंग ना करें और हर तरफ नहीं बीट करना है, एक ही तरफ उसको सर्कुलर मोशन में बीट कीजिए। कैविटीज़ में बैटर पोर कर दीजिए और ढक्कन लगा के इसे अराउंड 8 मिनट्स होने दीजिए स्टीम। और ये देखिए, यह है हमारी मज़ेदार मसाला इडली तैयार। लुक एट दिस हाउ स्पॉन्जी इट इज़। मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी, बहुत अच्छा बना है विद दिस पीनट चटनी। आप ज़रूर से बनाइएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगा। और एक इडली मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ। लुक एट दिस हाउ वेल इट इज़ मेड। आप ट्राई दीजिएगा।